हेलो एवरीवन, दिस इज़ बस, वेलकम टू द चेस लाइफ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एंड गेम पज़ल लेकर आया हूँ। ये जो पज़ल है वो बहुत ही हार्ड है। मतलब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके सोचो, थोड़ा थोड़ा देर सोच सकते हो। यहाँ पे वो वाइट टू मू, यहाँ पे मटेरियल वाइज देखे तो ब्लैक के पास 3 माइनर पीस है और वाइट के पास 2 माइनर पीसेस है। तो एक एक्स्ट्रा पीस है ब्लैक के पास और वाइट के पास 2 पॉन्स है एंड ब्लैक के पास 4 पॉन्स है। तो पॉन के हिसाब से 2 पॉन ब्लैक, 2 पॉन आगे है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि एक बात, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है एक्चुअली ब्लैक इज़ अ विनिंग, बट इन रियलिटी में वाइट इज़ अ विनिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, वाइट इज़ अ विनिंग। यहाँ के कंप्यूटर्स इंजन ने भी यही बता रहा है कि यहाँ पे ब्लैक टोटली विनिंग है, यहाँ पे विनिंग पोजीशन ब्लैक का है, बट दैट्स नॉट रियलिटी, यहाँ पे विन हो रहा है वाइट। तो चलिए पता करते हैं कैसे। तो वाइट के लिए यहाँ पर बेस्ट मूव क्या है, अगर आप यहाँ पर क्वीन बनाते हो तो ब्लैक खेल सकता है नाइट टू F7 विथ अ फोर्क, तो ये भी बेस्ट मूव नहीं है। तो आप यहाँ पर बिशप चेक देते हो, तब आ जाएगा क्वीन टू G7। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बिशप से भी चेक नहीं दे सकते और अपना नाइट से भी चेक दे नहीं सकते। तो क्या है बेस्ट मूव इस पोजीशन में, अभी भी आप प्रमोट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस फोर्क। एंड अगले मूव में ही ब्लैक के लगा बिशप टू A5 खेल के आप क्वीन प्रमोट होने से रोक सकता है। सो यहाँ पे आपको पॉन भी नहीं प्रमोट करना है और बिशप से भी चेक नहीं देना है। तो आपको खेलना होगा यहाँ पे। अब इस चेक के बाद ब्लैक के किंग को लास्ट रैंक मतलब 8th रैंक पे नहीं जा सकता, बिकॉज आ सकता है प्रमोशन विथ चेक एंड दिस इज़ द विनिंग पोजीशन फॉर वाइट। सो यहाँ पे किंग मूव हो सकता है ओनली 2 स्क्वायर पे, G7 एंड G6 पे। पहले देखते हैं किंग टू G6। किंग टू G6 के बाद हम खेल सकते हैं बिशप चेक। यहाँ पे इस बिशप को लेने के बाद हम खेल सकते हैं प्रमोशन द क्वीन विथ चेक एंड दिस इज़ द विनिंग पोजीशन फॉर वाइट। इस पोजीशन के बाद यहाँ पे अगर ब्लैक यहाँ पे किंग टू F7 खेलता है तो हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, बिकॉज नाइट कैनॉट यूज दिस F7 स्क्वायर फॉर फोर्क। सो यहाँ पे बिशप टू C2 चेक के बाद यहाँ पे किंग टू G7 जाता है, तब हम खेल सकते हैं नाइट टू H5 चेक। सो अब यहाँ पे ब्लैक किंग को F7 पे गया तो आपको पता ही है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। अगर ब्लैक का किंग ब्लैक रैंक पर जाता है तो हम प्रमोट कर सकते हैं विथ चेक, इट इज़ टोटली विनिंग फॉर ब्लैक। आप यहाँ पर किंग आगे भी नहीं आ सकता, सो इन चारों स्क्वायर पर ही ब्लैक किंग को चलना चाहिए। सो जो किंग टू G7 मूव है वो टोटली विनिंग फॉर वाइट। सो हम स्टार्टिंग पोजीशन पे आते हैं नाइट टू F6 चेक के बाद हमने देखा किंग टू G7 इज़ अ नॉट गुड मूव। यहाँ पे अब ब्लैक खेल सकता है किंग टू G7, देखते हैं। अब हम खेल सकते हैं नाइट टू H5 चेक। आपको पता ही है यहाँ पे किंग टू F7 जाता है तो क्या हो सकता है। अब ब्लैक के पास दो ही ऑप्शन है, किंग टू H7 एंड किंग टू G6। चलिए दोनों देखते हैं। अगर किंग टू H7 जाता है तो हम खेल सकते हैं बिशप टू C2 चेक। किंग को हम फोर्स कर रहे हैं कि इस बैक रैंक पर जाए तो हम इजीली प्रमोट कर सकते हैं विथ चेक। अगर यहाँ पे किंग टू G6 खेलता है तो अब क्या, अब हम बिशप से चेक देंगे तो नाइट को मार देगा। एक्चुअली यहाँ पर वही करना चाहिए, बिशप टू C2 चेक। यहाँ पे अपना नाइट सेक्रीफाइस कर रहा है बिकॉज ऑफ सम टेक्टिकल पोजिशनल एडवांटेजेस के लिए। यहाँ पे वाइट ने अलाउ किया अपनी नाइट को सेक्रीफाइस करने के लिए। हम मटेरियल वाइज से देखें तो अब ब्लैक के पास 3 माइनर पीस है, वाइट के पास एक ही माइनर पीस और 2 पॉन्स, ब्लैक के पास 4 पॉन्स है। बट आप देख रहे हैं ब्लैक का किंग का पोजीशन जो है वो टोटली बस्टेड है। सो अब वाइट क्या कर सकता है, वाइट यहाँ पर प्रमोट कर सकता है तो हम अलाउ कर रहे हैं नाइट टू F7 विथ अ फोर्क। सो हम यहाँ पर
अब किंग को एडज ऑफ द बोर्ड पर रखना है, तो हमें खेलना होगा किंग टू e6। यहाँ पे अपना क्वीन भी सेक्रीफाइस दे देंगे। यहाँ पे ब्लैक में वाइट का किंग मारता है, तो आप खेल सकते हैं किंग टू f5। आप देख रहे ब्लैक का किंग का पोजीशन जो है वो पूरा बस्टेड है, वो यहाँ पे कहीं पे भी जा नहीं सकता। सो इसीलिए वाइट को यहाँ पे बिशप टू d1 पे लाकर चेक देना है, और बिशप टू e8 पे लाके चेक देना है। सो ये दोनों डायगनल से, किसी भी डायगनल से चेक देता है तो यहाँ पे ब्लैक का किंग का चेकमेट हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ब्लैक को नाइट टू f7 मूव इज़ अ नॉट गुड मूव, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो किंग बस्टेड हो सकता है। तो यहाँ पे नाइट टू इंस्टेड ऑफ नाइट टू f7 के बदले में वो खेल सकता था g5 खेलना था एक्चुअली उनको। इस केस में भी वाइट ही विन था, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो नाइट है वो अनप्रोटेक्टेड है ऑन a6। यहाँ पे वाइट ने पहला खेलता क्वीन टू e2, इस पॉन पर टारगेट करता। सो इफ किंग टू f3 जस्ट डिफेंडिंग फॉर द पॉन। अब आ सकता है बिशप टू d1 विथ चेक। इफ किंग टू f2 नाउ क्वीन टू h5। आप देख रहे हैं यहाँ पे e2 स्क्वायर पर चेक देके इस नाइट को भी ग्रैब कर सकता है वाइट, और धीरे धीरे पॉन और किंग का भी चेकमेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मेनली फोकस करते हैं, तो मेन वेरिएशन पे आते हैं किंग टू f5 के बाद। अब वाइट का थ्रेट है कि बिशप टू d1 खेल के यहाँ पे चेकमेट करना है। सो यहाँ पे खेला गया e2 प्रिवेंटिंग द चेकमेट, बट बिशप यहाँ पर सेंट्रल स्क्वायर को यूज़ कर सकता है। यहाँ पे थ्रेट है बिशप टू f3 चेकमेट, सो उसे भी ब्लैक को प्रिवेंट करना है। द ओनली वे विथ प्रोटेक्टिंग द नाइट जस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग दिस जस्ट फॉर कवर दिस स्क्वायर। अब वाइट खेल सकता है बिशप टू d5। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों नाइट्स जो है वो यहाँ पे स्टक हो चुके हैं, मतलब आप यहाँ पे नाइट कहीं पे भी मूव करते हो तो सिंपल इस दोनों डायगनल से वाइट जो है चेकमेट कर सकता है। अब वाइट का थ्रेट है कि बिशप टू c4 खेल के इस डायगनल से चेकमेट करना है। सो ब्लैक को यहाँ पर उसको प्रिवेंट करना होगा। यहाँ पे ब्लैक के लिए ओनली मूव है c2 बिशप टू c4 के बाद। यहाँ पे ब्लैक प्रिवेंट कर सकता है इस चेकमेट को ओनली वे विथ प्रमोटिंग द नाइट, ओनली फॉर प्रोटेक्टिंग दिस, ओनली फॉर कवरिंग दिस स्क्वायर। आप देख रहे हैं ब्लैक के पास कितने सारे पीसेस है, बट वो किसी काम के नहीं है, बिकॉज आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग किंग पोजिशन, पॉन पोजिशन विच इज़ कवरिंग द h4 स्क्वायर एंड स्ट्रॉन्ग बिशप। इसके वजह से ब्लैक को यहाँ पर क्वीन प्रमोट करने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। अब वाइट खेल सकता है बिशप टू b5। अब यहाँ से e8 खेल के ब्लैक किंग का चेकमेट करना है। सो यहाँ पे नाइट बीच में आता है तो हम डायरेक्टली नाइट को मार सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक खेल सकता है नाइट टू c7 विच इज़ अटैकिंग द बिशप एंड ऑल्सो कवरिंग द e8 स्क्वायर। अब वाइट खेल सकता है बिशप टू a4। यहाँ पे थ्रेट है कि बिशप टू d1 खेल के चेकमेट करना है, और इस प्लान को और इस थ्रेट को कभी भी वाइट प्रिवेंट नहीं कर सकता। आप देख रहे बिशप यहाँ पे कैसे zigzag हुआ। अगर यहाँ पे ब्लैक ट्राई करता है नाइट टू e2, हम खेल सकते हैं बिशप टू d1, नाइट टू f3 के बाद बिशप कैप्चर ऑन e2। आप देख रहे हैं ब्लैक किसी भी मूव करे अगले मूव में उसका चेकमेट होने वाला है विद बिशप कैप्चर ऑन f3। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता ब्लैक कौन सा भी मूव करे, बिशप टेक ऑन f3 इज जस्ट चेकमेट। सो ठीक है ना, बढ़िया सा पजल। सो आपको मैं आशा करता हूँ आपको ये पज़ल बहुत ही बढ़िया लगा होगा। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड लाइक कीजिए वीडियो को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए, एंड आपका कमेंट का बहुत ही इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।